हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम सिप्लॉक्स डी आई और ईयर ड्रॉप्स की संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। ये जो ड्रॉप है, इसके अंदर मेन कंटेंट होता है सिप्रोफ्लोक्सासिन और डेक्सामिथासोन। जो सिप्रोफ्लोक्सासिन है वो 0.3% वेट बाय वॉल्यूम होता है और डेक्सामिथासोन ये 0.1% वेट बाय वॉल्यूम इस ड्रॉप के अंदर होता है। इस ड्रॉप को सिप्ला लिमिटेड ये कंपनी बनाती है। और ये जो सिप्लॉक्स डी ड्रॉप है, इसकी 10 ml की जो बॉटल आती है उसकी प्राइस है 22 rupees। आगे देखते हैं यूजेस ऑफ सिप्लॉक्स डी ड्रॉप। ये जो सिप्लॉक्स डी ड्रॉप है वो मेनली आई इन्फेक्शंस, देन ईयर इन्फेक्शंस, देन आई स्वेलिंग और बर्निंग आईज, इन सभी कंडीशंस के अंदर यूज करते हैं। देन इस ड्रॉप के डोसेज देखते हैं, ये जो ड्रॉप है वो मेनली आई इन्फेक्शंस और ईयर इन्फेक्शंस के लिए यूज करते हैं। अडल्ट डोज जो आई इन्फेक्शन के लिए है वो देखिए 2 drops डेली, दिन के आपको 2 बार ये ड्रॉप डालना है। जब आप ये ड्रॉप डालते हो तो एक समय पर आपको 2 बूंद डालने हैं और मैक्सिमम आप 7 days तक ये ड्रॉप डाल सकते हो, इतना इसका कोर्स ड्यूरेशन है। देन जिनको ईयर इन्फेक्शन हुआ है उनको ये ड्रॉप 2 बार डालना है, लेकिन एक समय पर आपको इस ड्रॉप के 3 या 4 बूंद डालने हैं। इसका भी मैक्सिमम कोर्स ड्यूरेशन 7 days है। तो ये मेन इस ड्रॉप के डोसेज है। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं सिप्लॉक्स डी ड्रॉप के। ये जो ड्रॉप है इसके अंदर मेनली सिप्रोफ्लोक्सासिन और डेक्सामिथासोन होता है। जो सिप्रोफ्लोक्सासिन है वो एंटीबायोटिक है, यानी जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे ठीक करने के लिए ये सिप्रोफ्लोक्सासिन काम करता है। ये सिप्रोफ्लोक्सासिन मेनली बैक्टीरियल सेल डिवीजन होने से रोकता है। और ये जो डेक्सामिथासोन है वो स्टेरॉयड है, ये मेनली जो केमिकल मैसेंजर प्रोस्टाग्लैंडिन है उसके प्रोडक्शन को रोकता है। और इस प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से जो स्वेलिंग और इचिंग हुई है उसे रोकने का काम ये डेक्सामिथासोन करता है। ऐसे मेनली ये सिप्लॉक्स डी ड्रॉप काम करता है। देन सिप्लॉक्स डी ड्रॉप से जुड़े प्रिकॉशंस हम देखते हैं। दोस्तों, ये जो ड्रॉप है वो ड्राई आइस के लिए यूज नहीं करना है। देन जब आप ये ड्रॉप डालते हो तो उसके कोई डोसेस आपको स्किप नहीं करने हैं और फुल कोर्स ट्रीटमेंट कंप्लीट करनी है। देन जब आप ये ड्रॉप डालते हो तो उसके 5 से 10 मिनट बाद आपको यदि दूसरी मेडिकेशन बताई है तो वो डालनी है, क्योंकि यदि आप जल्दी डालोगे तो वो डाइल्यूशन होने की चांसेस होते हैं। और ये सिप्लॉक्स डी ड्रॉप की बॉटल जब आप ओपन करते हो तो उसे आपको 1 महीना यानी 4 weeks के अंदर यूज करनी है। तो ये मेन प्रिकॉशंस आपको लेने हैं जब आप ये ड्रॉप्स डालते हो। लास्ट में देखते हैं कि सिप्लॉक्स डी ड्रॉप के साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हैं। इसके वजह से मेनली आई इरिटेशन, आई इचिंग और आई डिसकम्फर्ट, ये 3 साइड इफेक्ट्स हमें दिखते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी है सिप्लॉक्स डी आई और ईयर ड्रॉप की। आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और यदि आपको किसी मेडिसिन, टैबलेट या तो ड्रॉप के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे हमें कमेंट करो। थैंक यू गाइज।